आज मैं आपको उज्जैन की स्टोरी का पार्ट टू सुनाऊंगा। बाय द वे, ये रियल स्टोरी है और आप कभी भी उज्जैन जाओ तो भस्म आरती जरूर करना वहाँ पे। तो इतने दूर जा रहे हो तो आपको लगेगा कि ये वर्थ इट है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट टू। तो उज्जैन टेंपल में दर्शन करके हम लोग सभी मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए। मेरे कज़िन ने बोला कि हमारे पास 2 आवर्स है, तो जिसको जो भी लेना है वो मार्केट में से ले लो। तो सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। कोई कपड़े ले रहा था, कोई शूज़ ले रहा था, कोई चेन ले रहा था। तो मेरा एक कज़िन रिंग की दुकान में गया जहाँ रिंग मिलती है, चेन मिलते हैं। तो हम लोगों ने देखा वो 10 मिनट से अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे तो सबने सोचा चलो अंदर जाते इसको ले लेने, तो फिर हम आगे जाते हैं। तो हम लोग सारे अंदर दुकान में गए तो वो अब 2-3 काउंटर पे रिंग, बहुत सारी रिंग रखी हुई थी और वो रिंग ट्राई कर रहा था। हम लोग देख रहे थे कि एक ओल्ड मैन था, वो बहुत सारी रिंग निकाल के दिखा रहा था और मेरा कज़िन ट्राई कर रहा था। हम लोग सब साथ में पीछे खड़े थे और एक दो कज़िन ट्राई करने लग गए कि चलो टाइम पास करते हैं। तो उसने दुकान वाले से बोला कि भाई ये दिखाओ वो दिखाओ, बहुत सारी रिंग निकलवाई। वो ट्राई कर रहा था, दुकान वाला परेशान हो रहा था कि भाई ये लेगा कि नहीं लेगा। फिर मेरा कज़िन जो रिंग ले रहा था, वो जो काउंटर, आपको पता है रिंग के काउंटर कांच के होते हैं, तो वो उस पे ऐसे कूनी लगा के खड़ा रहा, ऐसे ऐसे रख के खड़ा रहा। तो 1 मिनट के बाद वो दुकान वाले ने बताया कि साहब यहाँ से हाथ ले लो, ये कांच का है, टूट सकता है। मेरा कज़िन कहता है यार आप ये रिंग दिखाओ, ये रिंग दिखाओ, आप रिंग दिखाओ। तो रिंग देख रहे थे। 2 मिनट के बाद मेरे कज़िन ने टायर्ड होके दोनों हाथ रख लिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके। तो 2 मिनट के बाद वो दुकान वाला बोल रहा है सर जी आप हाथ ले लो, ये कांच का है, टूट जाएगा। मेरा कज़िन कहता है यार तू रिंग दिखा भाई, तू टेंशन ना ले, कुछ नहीं टूटेगा। तो बोला ठीक है। हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के डायमंड, वो ट्राई कर रहा है। तो और 2-3 रिंग ट्राई करी, वो ले नहीं रहा था, वो बस देखे जा रहा था, बोल रहा ये नहीं अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। फिर 2 मिनट के बाद वो दुकान वाला बोलता है सर जी आप यहाँ से हाथ ले लो, ये कांच का है, ये टूट जाएगा। वो मेरा कज़िन गुस्से हो गया कि भाई तुझे दिखानी या नहीं दिखानी, तू रिंग दिखा, तू कांच की क्यों टेंशन ले रहा है, कुछ नहीं टूटना, मैं इतना वेट नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा कज़िन थोड़ा हैवी बॉडी था, वो हैवी था, वो जिम भीम जाता था, बहुत मसल वाला था। तो वो डर रहा था कि भाई इसके हाथ से ये टूट ना जाए। तो वो कांच के टेबल पे उसने हाथ ऐसे रख के खड़ा था और दुकान वाले की नज़र रिंग दिखाने की जगह पे कांच पे ही थी। वो कांच पे ही देख रहा था कि यार मेरा ये कांच टूट ना जाए। और मेरा कज़िन बस रिंग देखे ही जा रहा था। फिर और एक बार वो बोला सर ये कांच का है, टूट ना जाए, आप हाथ ले लो, जितनी रिंग दिखनी है मैं दिखा दूंगा। फिर मेरा कज़िन गुस्से हो गया, बोलता है अभी मैं लास्ट बार कह रहा हूँ तू रिंग दिखा, टेंशन ना ले, नहीं टूटेगा। और 30 सेकंड में कांच टूटने की आवाज़ आई और हम लोग सभी लोग ऐसे देख रहे हैं और वो कांच वाला ऐसे एकदम देख रहा है और कांच ऐसे करके टूटा। फिर जो देखने वाला सीन था, हम सभी लोग बाहर भागे और वो कांच वाला इतना गुस्से हुआ, इतने गुस्से हुआ, मेरे कज़िन को पकड़ा, बोल रहा है कि मैंने बोला था तुझे हाथ ले ले और तू हाथ नहीं ले रहा था, अब दे मुझे पैसे इसके। मेरा कज़िन खड़ा है और सबसे बड़े जो कज़िन थे वो खड़े हैं, बाकी हम सब लोग बाहर भाग गए। हैरानी की बात यह है कि मेरा कज़िन उस पर भी बार्गेनिंग कर रहा था कि भाई ये कांच इतने का है, मैं इतना नहीं दूंगा।
वो कांच वाला इतना गुस्से था, और मेरा दूसरा सबसे बड़ा जो कजिन था वो भी गुस्से हुआ कि भाई तूने कांच तोड़ा है और ऑलरेडी तू बार्गेनिंग कर रहा है। तो हम लोग तो इतने हंसे कि ओ माय गॉड, हंस हंस से पागल हो गए कि फाइनली इसने कांच तोड़ ही दिया। फिर मेरे बड़े कज़िन ने बोला कि तू जा भाई बाहर, मैं इसके पैसे देता हूँ, हम आगे जाते हैं, तुझे रिंग नहीं लेनी अभी। तो फिर मेरे कज़िन ने उसको शांत करा दुकान वाले को और पैसे दिए, और हम सभी लोग हंसते हंसते आगे और शॉपिंग करने गए। तो ऐसा मज़ेदार किस्सा हुआ। तीसरा पार्ट इससे भी और मज़ेदार है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।